देर इज नो कॉम्पिटिशन फर्स्टली वेर आई केम हेयर देर वॉज नो कॉम्पिटिशन दैट सडनलीमल फेमस तो लोग आपको जानते हैं तब भी कोई कॉम्पिटिशन क्योंकि आपके लिए ऑटोमेटिकली बदल गई ना जहाँ पे जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना नहीं था वो सडनली आपके पेयर्स बन जाते हैं yeah. तो जब मैंने वहाँ पर उनको कॉम्पिटिशन नहीं समझा तो अब क्यों समझू उनको कॉम्पिटिशन आई डों थिंक मैं अपनी बॉडी का ध्यान रख रहा हूँ आई थिंक मेरी बॉडी मेरा ध्यान रख लेती है And most of it, that is what it is. I cannot be working 18 hours a day and think that I'm taking care of my body. No. It is unreal to say that. My father was absolutely bang uh, kya kate, against me becoming an actor. I, I, I feel so um, isolated in my entirety. कि मुझे कभी भी किसी की ज़रूरत नहीं लगती है आई वॉज प्लेंग बायपोलर कैरेक्टर तो मैं uh, एक साइकट्रिस्ट के क्लिनिक जाता था कोने में बैठता था और वो मेरे को इशारा करते थे वो है बायपोलर तो ऑल दे आई हैड टू डू हैट दे डू हाउ दे एक्ट वैन आर देयर हाइज वेन आर देयर लोज आई लर्ट हाउ टू पेंट हेलो एवरीवन वेलकम टू ई टाइम्स आई एम विजय तिवारी एंड टुडे आई एम इन कॉन्वर्जेशन विद द वेरी टैलेंटेड एंड चार्मिंग राहुल सुधीर राहुल वेलकम टू ई टाइम्स थैंक यू सो मच और फिर ये जो इश्क में मर जाओ के बाद का जो लल पीरियड था वो कितने टाइम तक चला एंड कभी ऐसा बीच बीच में लगा दैट यू नो दिस इज नॉट मेड फॉर मी एंड यू नो आई थिंक आई शुड गो बैक नो आई टेल यू वो वॉज क्रेजी वो वॉज क्रेजी वॉज दैट मर जावा के बाद आई वॉज नेवर आउट ऑफ वर्क

सो so, इतना इंटेंस प्रेप किया मैंने मैं खुद पागल हो गया था वो प्रेप करके सो देचुअली एम एक्स वे डिट वॉज वन को ही दो सीजन में निकाल दिया और बोला खत्म करते हैं इसको दैट सो आई थिंक करतेट वॉज दैट वॉज द बिगेस्ट टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ दैट प्रेप आई वॉज प्लेंग बाई पोलर कैरेक्टर तो मैं uh, एक साइकट्रिस्ट के क्लिनिक जाता था कोने में बैठता था और वो मेरे को इशारा करते थे वो है बायपोलर

तो मैंने बोला अब बोला इनको शौक लगेगा तो मैंने बोला ओके okay. कहता चल मेरे साथ sit with me in that chamber so he took me to that chamber and that woman वो ना वहाँ पे उसको लिटाया ऐसे करके उसको सिजेरियन हुआ था हाँ. तो एक नर्स ने यहाँ से हाथ पकड़ा दूसरी नर्स ने वहाँ से हाथ तो एक टांग पकड़ी दूसरे दूसरी टांग पकड़ी और डॉक्टर रेडी कर रहा है वो अभी उसको दे गए यहां पे एंड ही said टेक दिस पिलो एंड पुट इट ऑन हर बेली यू होल्ड इट बिकॉज इफ यू डोंट होल्ड इट करेक्ट उसके टाके निकल सकते हैं सो जस्ट होल्ड इट टाइट एंड वेन आई हेल्ड दैट पिलो अगेंस्ट हर बेली एंड शी लुक मी इन दी आई एंड शी से वर्ड ऑफ टीयर्स मेरी ना आत्मा मर गई उस टाइम पे समथिंग इन साइड मी डाइड

ऐसे भी मोमेंट्स आते होंगे जब आपको ऐसा लगता होगा कि मेरा काम इतना ज़्यादा नोटिस हो रहा है नहीं हो रहा है यू नो माई कॉम्पिटिशन इज डूइंग ग्रेट आई यू वन ऑफ एक्टर्स जो कॉम्पिटिशन पर भी टैप रखते हैं कि कौन कैसा कर रहा है या यू आर जस्ट बॉदेड अबाउट योर वर्क देर इज नो कॉम्पिटिशन देर वॉज नो दैट डे सडनली यू बिकम फेमस लोग आपको जानते हैं तब भी कोई कंपटीशन क्योंकि आपकी लीग ऑटोमेटिकली बदल गई ना mm. जहाँ पर जिन लोगों के साथ आपका उठना बैठना नहीं था वो सडनली आपके पेयर्स बन जाते हैं yeah. तो जब मैंने वहाँ पे उनको कॉम्पिटिशन नहीं समझा तो अब क्यों समझू उनको कॉम्पिटिशन mm. मतलब जो मैं करता आ रहा था वो कहीं ना कहीं ठीक था mm. तो ही तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ ना सो आई वॉट पेयर्स वर्क एंड मे ऑलवेज बी सक्सेसफुल मेरा कोई लेना देना नहीं उनसे मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ मुझे बहुत मज़ा आता है मैं अपना काम सही से कर लूं, मैं एक सीन सही कर लूं, या एक मोमेंट के लिए एक ऑनेस्ट uh, के साथ कैमरा पे सही कर दू उसको ये या तो हम ऐसे फील्ड में होते कि कि हाई में है कि यार उसने ये कर लिया उसका प्रमोशन हो जाएगा hmm. तो मेरे को लगता है कि यार मुझे भी कुछ ऐसा करना चाहिए hmm. जब हम के, वर्ल्ड के अंदर हैं जहाँ किसी के साथ कुछ भी हो सकता है जहाँ कंटेम्प्रेरी कल को बहुत बड़ा कोई आदमी बन जाए और आप देखते रहो यार ये तो हमारे साथ का था या फिर आप कुछ ऐसे बन जाओ और वो देखते रहते यार ये हमारे साथ का था तो जब इतना केयोटिक है और इतना मैडनेस है unpredictable. इतनी अनप्रडिक्टेबल है तो क्या फर्क पड़ता है वही करो ना जो आपको करना है कम से कम खुश होके तो आगे बढ़ो पर अभी ऑफ आपने किसी का काम देखा है या कोई काम देखा है जब आपको लगता आपको लगा हो देख कि यू नो ये मेरे पास आता तो मैं झंडे गाड़ देता ऐसा मेरे को नहीं कभी नहीं लगता कभी किसी भी प्रोजेक्ट में नहीं I wish I could have been part of this yes वो लगता है बट हाँ। मैं कभी मेरे को ये ज़हन में नहीं आया कि यार मैं झंडे गाड़ सकता हूँ। ऐसा कुछ होता नहीं है झंडे गाड़ने को अह सौरभ सचदेवा इन मुंबई मेरी जान आई थिंक इट ब्लो मी अवे व्हाट ही डिड इन मुंबई मेरी जान बिकॉज़ आपके सामने केके मेनन जैसे दिग्गज एक्टर्स हैं और

क्या कर सकता हूँ खाना पीना खा लूंगा रेस्ट ले लूंगा बट एटीन आवर्स ऑफ रनिंग फाइटिंग जम्पिंग यू कैंट सब्ट्यूट दैट वो तो कर ही रही है ना बेचारी वो लगी हुई दे रही है अपना श्रम दान But workout, regime, whatever, do you? Workout, out out? I'm not allowed to. So you're not allowed. Not to. Not right now. I'll probably have to wait another six or months, or maybe this entire year before I can start working out. Okay. That crazy. So okay. even if uh, you know Khatro is again offered to you, I don't you'll... think it's life-me possible. Hai oh yeah. really? Yeah. So did, matlab ye bother you?

How do you substitute wanting to hang in the air? how do you substitute uh, all the dribble exercises, all the dribble regimes you would do mm -hmm. you can't substitute that you cannot substitute it's been taken away from me very uh, forcefully mm -hmm. and it's painful to let go so some there are times when you blame God for it.

हर महीने अच्छी सैलरी आनी चाहिए उसको हमारी आगे की रिस्पांसिबिलिटी उठानी है यू नो इंडियन पेरेंट्स ऐसी सोचते कि एक नौकरी लग जाए अच्छी सी mm. और फिर हम छूटे बस टू बी ऑनेस्ट विजय मैं खुद आ, वैसे ही बनना चाहता था मिड लेवल मैनेजर सीईओ उस टाइप का ही आदमी था मैं mm. और मैं वही बनना चाहता था लाइफ लॉन्ग दैट वाज माय ड्रीम जी

बहुत पागल है और हमारा दिमाग खराब है और इन्हें क्या कि इन्हें क्या क्या कि करना है लाइफ में हम बताएंगे मैं मैं तो हुँ. किसी की भी नहीं सुनता उनकी तो कभी भी नहीं सुनी है ना, दिखाते भी नहीं है ना वो? हाँ उनको ना खुद ही समझ में नहीं आता है कि मुझे खुश होना चाहिए इस बात पे कि नहीं होना चाहिए तो जैसे उनके कभी तो कोई दोस्त वगैरह बोलते तो कहते हाँ मेरा बेटा ऐसा कुछ खास नहीं है <laughs> तो मैंने बोला आप ऐसे क्यों बोलते हो इसलिए लाइक आई कैसे बोलूँ अपने मुँह से कि मेरा बेटा बहुत अच्छा है uh -huh. मुझे बहुत तो ही यू नो इन दैट कांस्टेंट कंफ्यूजन टू हाउ टू टॉक अबाउट दिस सो दैट्स दैट अपार्ट फ्रॉम एक्टिंग व्हाट आर द अदर यू नो हॉबीज और Uh, you keep doing music. Music. Yeah, yeah. I think uh, it's the only other thing apart from acting that I do. You, and you play something? I, 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 I know how to play a guitar. Okay. I'm not very good at it, but I can play your, you know, average Joe songs. Mm. But it is something which is keeping me sort of more interested in life mm. apart from acting. Mm. And also, Rahul, when you stay apart from your, uh, does your parents stay with you? No. no. सो so, एक आप जिस इंडस्ट्री को बिलोंग करते हो वहाँ फ्रेंड्स तो बहुत सारे होते हैं बट वेन यू गो बैक होम यूर अलोन डज इट फील कंपेनियन साथ में होना चाहिए इंडस्ट्री का होना चाहिए यू डेट गर्ल्स यू मीट गर्ल्स बट यू थिंक यू नो इज मैरिज द राइट टाइम राइट नाउ और या आपको लगता है कि टाइम है अभी आइसोलेटेड इन माई एंटायरिटी की मुझे कभी भी किसी की जरूरत नहीं लगती है. Oh, really? yeah. mm. है अच्छी चीज है बट आई फील दैट माई उसको लोनलीनेस बोलेंगे या अलोन जो भी इट्स विद मी एंड उसमें अब किसी के लिए कोई जगह नहीं बची है अच्छा लाइक आई एम नॉट विलिंग टू कॉम्प्रोमाइज शेयर माई स्पेस नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन माई स्पेस जस्ट बिकॉज देर इज अ नॉर्म ऑफ गेटिंग मैरिड और यू मस्ट डेट समी मुझे नहीं चाहिए किसी के साथ ऐसा स्पेस इफ आई एम अगर मेरे को कॉम्प्रोमाइज करने पड़ रहे हैं

राहुल इट वॉज अ वेरी कैंडिड कॉन्वर्जेशन आई एन्जॉयड आई होप आपको भी मजा आया होगा कॉन्वर्जेशन से